वेलकम स्टूडेंट्स मेमोरियल एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल वन में आज हम इंग्लिश में एक नए लेटर को सीखेंगे। तो जनाब ये लेटर है, आप देख सकते हैं कि ये कौन सी टाइप के लेटर है, क्योंकि आप अच्छी तरह समझ गए कि स्काई लेटर, रूट लेटर एंड ग्रास लेटर। जो ऊपर की 3 लाइन्स में होंगे वो स्काई लेटर, और जो 2 लाइन सेंटर की 2 लाइन्स में होंगे वो होंगे ग्रास लेटर, और जो नीचे की 3 लाइन्स में होंगे वो होंगे रूट लेटर। तो जनाब ये लेटर है बीच की 2 लाइन्स में, यानी लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में। तो ये कौन सा लेटर हो गया? ग्रास लेटर। इसका नाम है एम, इसका नाम है एम, और इसकी साउंड है उम। आपका मुंह नहीं खुलेगा, आपके होंठ भी नहीं खुलेंगे, आप बिल्कुल बंद करके उम, बस मुंह से अपनी साउंड निकालेंगे उम। इसकी साउंड है उम, ठीक है ना। तो जैसे हम बोलते हैं मैंगो, मून, मंकी, और माइंड, और मिल्क, और माउंटेन, माउंटेन। इसके अलावा मैप, मैप जिसमें हमारे पूरी कंट्रीज का पूरे नाम लिखे होते हैं, उनके बारे में पूरा पता होता है, जिससे हम मैप करते हैं। आजकल गूगल मैप से हमें कहीं जाना हो तो हम मैप देखते हैं ना, मैप फाइंड आउट करते हैं। मैप, मदर, माउस। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और लेटर्स हैं, थिंग्स हैं, जो कि उम से आते हैं। आप उम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप देख लें कि ये कैसे, ये लेटर कैसा है। ये 2 लाइन्स में है, तो ये उधर ही से शुरू होगा। इसका छोटा सा ये छोटे ऐसे यू बनाएंगे, फिर इसी में वापस लेकर गए, फिर इसको टर्न किया, फिर इसको वापस लेकर गए, फिर दोबारा टर्न किया। तो इस तरह ये बना, यहाँ मैं बना रही हूँ। और से देखें आप, ये देखें ये वाली लाइन से शुरू होगा, और इस लाइन से आपने यू किया सीधा, फिर इसी लाइन पर वापस लेकर और ऐसे यू टर्न किया, फिर इस लाइन से आप वापस लेकर गए, और फिर यहाँ से टर्न किया और ये नीचे लेकर आ गए लाइन नंबर 3 पे। आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें आप देखें, अंदाजा करें कि लाइन से बिल्कुल टच है। ये भी लाइन से टच है, ये भी लाइन से टच है, ये भी लाइन से टच है, ये भी लाइन से टच है। कोई भी चीज़ लाइन से आउट नहीं हो रही है, ना लाइन के अंदर है। सारी चीज़ें प्रॉपर लाइन को टच कर रही हैं। फॉर्मेशन समझ आ गई, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। वन मोर टाइम यू कैन सी, ऐसे ही बिल्कुल सीधी इस तरह, फिर इसको यूँ हल्का सा छोटा बनता है, इसमें जो हल्की सी लाइन करवा दी, फिर आपने इसी पे वापस लेकर जाना है और इसको टर्न कर देना है। यार ये थोड़ा सा लाइन से बाहर आ रहा है, इसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हम रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि माइंड से समझ लीजिए कैसे ये यहाँ बना रही हूँ बड़ा सा। ये देखिए, ये बिल्कुल लाइन तक आ गया है, जैसे आई बनाया था ना, फिर इसको वापस ले गए और उससे थोड़ा सा नीचे छोड़ के आपने इसको टर्न करना है, फिर यहाँ वापस लेकर आए, फिर इसको गोल घुमाया, ऊपर से टर्न किया और फिर ये नीचे लेकर आए। तो ये बना। अच्छा, उनकी आपकी ट्रेसिंग पेज आपके पास अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, लिंक ओपन, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। लिंक ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको इसके पेजेस मिल जाएंगे। जो ट्रेसिंग पेजेस इसके बने हुए हैं, वो ट्रेसिंग पेजेस पे आप ट्रेसिंग करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन स्टाइल, क्योंकि हर लेटर का एक प्रॉपर स्टाइल होता है। अब आप इसको गलत तरीके से नहीं बना सकते, जैसे पास दफा हम बच्चों को रॉन्ग वे सिखाते ही हूँ, दिस इज द रॉन्ग वे। उनको प्रॉपर वे में सिखाएंगे, प्रॉपर तरीके से उनको कैसे जो है लिखा जाता है, तो फिर बच्चों को शुरू से समझ में आ जाएगा कि कैसे सिखाना है, ठीक है, कैसे लिखना है। जब उनको शुरू से समझ में आता जाएगा तो उनको आदत होगी कि इसकी सही फॉर्मेशन बनाने की। इसकी सही फॉर्मेशन कैसे, कि इसी तरह यू पेंसिल को यू किया, फिर दोबारा कर्व किया, फिर नीचे लाइन के लाइन नंबर 3 के एंड तक आए, फिर इसको कर्व किया और फिर यू लाए। मतलब आप ये स्टाइल देखें कि यहाँ आई की तरह आपने लाइन खींची, फिर इसको गोल किया, लेकिन इतना छोटा सा ये जो चोशा जिसको कह रहे हैं एम का, वो बनेगा और वो नजर आता है। अगर हम इसको ना बनाए तो वो सही नहीं बनेगा। अगर हम यू बना लें, ये रॉन्ग है। आपको छोटा सा जो नजर आ रहा है ना, वो निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? आपको आपका हैंड ऐसे चलेगा, वो कौन करेगा? ये देखिए लाइन टच नहीं हो रहा है, तो आपको ये प्रॉपर टच करना है। एक दफा आई की तरह बनाया और फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर, लाइन से थोड़ा सा नीचे आपने कर्व किया, फिर वापस इधर लेकर गए और फिर इसको कर्व करके नीचे लेकर आए। तो इसकी फॉर्मेशन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे है, और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस बार बार ट्रेसिंग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आने वाले नए वर्ड्स ढूंढने हम जाने, और वही बात मैं कहूँगी कि नॉलेज को कभी भी श्रिंक नहीं करनी चाहिए, अपनी नॉलेज को दूसरों तक फैलानी चाहिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो और आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए। क्योंकि किसी को जब हम नॉलेज देते हैं तो नॉलेज वहाँ रुकती नहीं है, वो मज़ीद फैलती है और बढ़ती जाती है। अच्छा जी, इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भूलिए कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपने उस पर लाइक भी करनी है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करना है।
और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पे हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत आसान से तरीके से और बहुत ईजी से वे आपको समझाएंगे जिससे आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। अच्छा, आप मैं जाना चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।